वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पृथ्वी पटेल और आज हम करेंगे अ वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी कॉल जैबोरेंडी। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जैबोरेंडी को हम कौन से क्लिनिकल कंडीशन में यूज कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ जैबोरेंडी एंड व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ जैबोरेंडी। और फ्रेंड्स, क्या हमको ऐसा नहीं कि जैबोरेंडी को हम ओनली एंड ओनली हेयर ग्रोथ में यूज करते हैं? फ्रेंड्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन है जहां पे हम जैबोरेंडी को बहुत ही ज्यादा रिमार्केबली यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैबोरेंडी, द कॉमन नेम ऑफ जैबोरेंडी इज अ पिलोकार्पस एंड द एक्टिव प्रिंसिपल इज अ पिलोकार्पिन व्हिच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द pathogenesis in the jaborandi। So friends, hum dekhte hai ki what are the main sphere of action in our body ki jahan pe jaborandi act karti hai aur wo kya karti hai, what is the pathogenesis of jaborandi। The first and most important sphere of action is glandular system। Friends, ye aapko yaad rakhna hai, bahut hi zyada mark स्फीयर ऑफ एक्शन है ग्लैंडुलर सिस्टम। तो जैबोरेंडी उस पर एक्ट करती है और प्रोड्यूस द स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट, ग्लैंड को स्टिम्युलेट करती है। हमारी जो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स है उस पर वो एक्ट करती है और इट कॉज द स्टिम्युलेशन, जिसकी वजह से इट प्रोड्यूस द प्रोफाउंड स्वेटिंग एंड द सलाइवेशन। फ्रेंड्स, जैबोरेंडी इज द रिमार्केबल रेमेडी इन अ केस ऑफ द स्वेटिंग। मैं एक्सपेरिमेंट बताती हूँ जो डॉक्टर वुड ने किया था। डॉक्टर वुड ने क्या किया कि 6 to 7 ग्राम ऑफ जैबोरेंडी आर इंसर्टेड इनटू द यंग एडल्ट एंड आफ्टर द 4 to 5 मिनट पेशेंट था जिसके अंदर जो इफ्यूजन हुआ था जैबोरेंडी का, उस वो प्रोफाउंडली स्वेटिंग करने लगा, प्रोफाउंडली फेस पे, नेक पे एंड इवन होल बॉडी पे बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग हुई, विच इज लास्टिंग फॉर द 30 to 40 मिनट। अलोंग विद द स्वेटिंग प्रोफाउंड सलाइवेशन आर फाउंड, प्रोफाउंड सलाइवेशन, इतना ज्यादा सलाइवेशन हुआ कि पेशेंट कांट एबल टू स्पीक, राइट, एंड दिस इफेक्ट इज लास्टिंग फॉर 30 to 40 मिनट्स। आफ्टर दैट पेशेंट इज टोटली ड्राउजी बिकॉज इतना ज्यादा स्वेटिंग, इतनी ज्यादा प्रोफाउंड स्वेटिंग थी जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लीटली ड्राउजी हो गया। तो फ्रेंड्स, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था डॉक्टर वुड ने, जिन्होंने मेंशन किया है अपनी मटरी अमेरिका, उसका नेम है फिजियोलॉजिकल मटरी अमेरिका बाय डॉक्टर विलियम बर्ड, राइट। तो अगर आपको ड्रग और उसकी स्पीयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस हम जानना है, मतलब एग्जैक्टली दैट रेमेडी हाउ इट एक्ट इन आवर बॉडी, वो आपको जानना है, तो आपको ये फिजियोलॉजी, ये मटेरियल मेडिका पढ़नी चाहिए, राइट। उसमें कंप्लीटली मेंशन है विद द एक्सपेरिमेंट कि ये ड्रग का एक्सपेरिमेंट हुआ, ये उसका कंक्लूजन निकल के आया। तो फ्रेंड्स, आप जरूर पढ़िएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल। तो बहुत ही ज्यादा मार्क स्वेटिंग होती है आफ्टर द इन्फ्यूजन ऑफ जैबोरेंडी। तो उससे हमको, मतलब ऐसे कौन से डिजीज कंडीशन है जहां पे बहुत ही ज्यादा मार्क स्वेटिंग है? तो द कॉमन डिजीज इज थाइसिस। फ्रेंड्स, थाइसिस का मीनिंग होता है, आपको पता है, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के जो कार्डिनल सिम्टम्स है, स्वेटिंग एस्पेशली एट नाइट, लो ग्रेड फीवर एस्पेशली इवनिंग एंड बॉडी वेट लॉस, राइट। ये 3 कार्डिनल सिम्टम्स है जिसके बेस पे हम ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस करते हैं। तो उस केस में प्रोफाउंड स्वेटिंग होती है तो वो स्टॉप करने के लिए हम जैबोरेंडी दे सकते हैं एंड जैबोरेंडी कंप्लीटली क्योर दैट स्वेटिंग, राइट। और इवन बहुत सारी और भी क्लिनिकल कंडीशन है जहां पर बहुत ही ज्यादा मार्क स्वेटिंग है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक केस था जो डॉक्टर क्लार्क के पास आया था, अ लेडी, द एज इज 47, राइट। और लेडी बताती कि मुझे बहुत ही ज्यादा हीट फीलिंग ऑन द फेस और स्वेटिंग होती है बहुत ही ज्यादा। तो डॉक्टर क्लार्क को पता चला कि ये क्लाइमेट्रिक हॉट फ्लशेस है। फ्रेंड्स, हॉट फ्लशेस आर वेरी वेरी कॉमन एट क्लाइमेट्रिक बिकॉज द वास्कुलर मोटर चेंजेस आर अकर, राइट, एट क्लाइमेट्रिक। तो उसकी लेडी की ये बहुत ही ज्यादा कॉमन कंप्लेंट थी। तो डॉक्टर
क्लैग ने जेवोरिंडी 6C प्रिस्क्राइब की और आफ्टर दैट उसके जो हॉट फ्लशेस थे वो टोटली गायब हो गए, राइट फ्रेंड्स। एक और मेडिसिन है जो हॉट फ्लशेस के लिए बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल रेमेडी है, वो है लैकिसिस और सेकंड इज द एमाइल नाइट्रोजम। फ्रेंड्स एमाइल नाइट्रोजम आर वेरी वेरी लीडिंग रेमेडी फॉर इन अ केस ऑफ हॉट फ्लशेस, राइट। बहुत ही ज्यादा मार्क रेमेडी है फ्रेंड्स एमाइल नाइट्रोजम, इवन क्लिनिकली बहुत ही ज्यादा रखना है लैकिसिस एमाइल नाइट्रोजम, राइट। जेबोरिंडी ही बहुत ही ज्यादा लीडिंग रेमेडी है इन अ कंडीशन ऑफ हॉट फ्लशेस, राइट। नेक्स्ट इज सलाइवेशन फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा मार्क सलाइवेशन है, मींस पेशेंट कांट एबल टू स्पीक, इतनी ज्यादा प्रोफाउंडली सलाइवेशन होती है इन अ केस ऑफ जेबोरिंडी, राइट, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेबोरिंडी, राइट। और एक इम्पोर्टेंट चीज की जेबोरिंडी एडमिनिस्टर करते ही स्वेटिंग और सलाइवेशन बहुत ही ज्यादा मार्क मिला और इसके साथ ही वोमिटिंग डायरिया लैक्रिमेशन और नेजल, मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स है लाइक फॉर एग्जांपल लैक्रिमल ग्लैंड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीयर्स, तो उसको भी स्टिमुलेशन किया, नेजल डायरिया और वॉमिटिंग, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन को भी स्टिमुलेट किया और द डायरिया वॉमिटिंग वो सब हुआ, बट एट द लेट डिग्री मोस्ट रिमार्केबल मिला वो है स्वेटिंग और सलाइवेशन, राइट फ्रेंड्स। ये उसकी स्फीयर ऑफ एक्शन है और पैथोजेनेसिस है जो आपको याद रखती है, वो मैम है, इट एक्ट ऑन द मैम है फ्रेंड्स, मेमोरी ग्लैंड पे उसकी रिमार्केबल एक्शन है। व्हाट इट कॉज, इट नोन एज ए ट्रू गैलेक्टोकोक फ्रेंड्स। गैलेक्टोकोक का मीनिंग पता है आपको क्या होता है, गैलेक्टोकोक का मीनिंग, उसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज अ सब्सटेंस व्हिच कॉल द गैलेक्टोकोक, दैट मींस कि दैट सब्सटेंस हैज अ पावर टू प्रोड्यूस द मिल्क इन द नर्सिंग मदर, राइट, उस ये मीनिंग होता है गैलेक्टोकोक का। तो जेबोरिंडी इज स्टेटेड एज अ ट्रू गैलेक्टोकोक। बहुत सारे होम्योपैथ हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है जेबोरिंडी के साथ कि जेबोरिंडी इंसर्ट करते ही जो मिल्क का जो सिक्रीशन है उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर देता है जहां पे वो डेफिशिएंट होती है। तो फ्रेंड्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इन द केस ऑफ नर्सिंग मदर, राइट। बहुत सारी नर्सिंग मदर होती है एस्पेशली आफ्टर द सीजरियन सेक्शन होता है तो वहां पे जो मिल्क फ्लो होता है, जो मिल्क आना चाहिए वो नहीं आता, वो बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंट होता है, तो उस केस में होम्योपैथी हैज अ ग्रेट ग्रेट स्कोप। तो फ्रेंड्स जरूर यूज करिएगा ये रेमेडी को फ्रेंड्स, इवन बहुत सारी मेडिसिन है जो एक्ट एज अ ट्रू गैलेक्टोकोक। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं एक एक करके फ्रेंड्स, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट रेमेडी है वो है रिसिनस कॉम्युनिकस। फ्रेंड्स रिसिनस कॉम्युनिकस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इन अ केस ऑफ डेफिशिएंट मिल्क सिक्रीशन, राइट। तो मैंने भी रेसिनस कॉम्युनिकस यूज किया है इन अ केस ऑफ नर्सिंग मदर, मैंने मदर टिंचर की फॉर्म में दिया था और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिमार्केबल इंक्रीज, राइट, विद इन द 2 डेज, राइट। नेक्स्ट रेमेडी है अर्टिका यूरेंस। फ्रेंड्स अर्टिका यूरेंस पे मेरा एक वीडियो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, वो वीडियो बहुत ही अच्छा है वीडियो है। अर्टिका यूरेंस भी रिमार्केबल रेमेडी फॉर गैलेक्टोकोक। नेक्स्ट इज लैक डिफ्लोरेटम। फ्रेंड्स लैक डिफ्लोरेटम इज द वंडरफुल रेमेडी इन अ केस ऑफ अ डेफिशिएंट मिल्क इन द मदर। और लास्ट इज मेड्यूजा। और फ्रेंड्स लास्ट इज थायरोडिनम। फ्रेंड्स थायरोडिनम इज अ सार्कोड एंड इट इज द वंडरफुल रेमेडी इन अ केस ऑफ अ डेफिशिएंट मिल्क सिक्रेशन। तो फ्रेंड्स ये सारी मेडिसिन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज रिसिनस कम्युनिकस। तो फ्रेंड्स रिसिनस कहाँ पे एक्ट करती है, तो ऐसा इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स है कि इन अ केस ऑफ रिसिनस कम्युनिकस द मेमोरी ग्लैंड इज परफेक्टली डेवलप्ड, मीन्स द लार्ज मेमे आर फाउंड एंड इन दैट केस द मिल्क इज डेफिशिएंट, यू कैन प्रिस्क्राइब द रिसिनस कम्युनिकस। नेक्स्ट इज लैक डेफ्लोरेटम। फ्रेंड्स लैक डेफ्लोरेटम में एट्रोफी ऑफ मेमे है और इसकी वजह से प्रॉपर मिल्क सिक्रीशन नहीं हो रहा है, राइट, तो स्मॉल एंड द एट्रोफी ऑफ मेमे, तो यू कैन प्रिस्क्राइब लैक डेफ्लोरेटम। थर्ड इज अर्टिका यूरेंस। फ्रेंड्स अर्टिका यूरेंस में मेंशन है कि अगर कोई भी मतलब उस डेफिशिएंट मिल्क सिक्रीशन के भी बहुत सारे कॉजेस है, बट अगर आपको ऐसा कोई अपीरियंट कॉज नहीं मिले
for the deficient milk secretion, right? So you can prescribe urticaria urens in a form of mother tincture, right? Next is medusa. Friends, medusa में mention है कि officially medusa is act on the lacteal gland, जो mammary gland में lacteal gland होती है, जहाँ से milk production और milk secretion होता है, right? वहाँ पे medusa act करती है, right? और कि ऐसे लड़ी जहाँ पे previous pregnancy में भी ये same problem हुई है, deficient milk secretion also seen in the previous pregnancy, right? History में हमको मिले, तो in a case we can prescribe medusa. राइट और नेक्स्ट इज थायरोइडिनम. फ्रेंड्स, थायरोइडिनम में ऐसा इंडिकेशन है कि डेफिशिएंट मिल्क सिक्रीशन विद द रिटर्न्स ऑफ द मेंसेस. फ्रेंड्स, आपको पता है कि जहां मतलब लैक्टेशन के फेज में जो मेंसेस है वो एब्सेंट होता है, वी कॉल एज अ लैक्टेशनल एमेनोरिया, राइट? बट इन दैट केस मिल्क इज डेफिशिएंट इन मिल्क अलोंग विद द रिटर्न्स ऑफ द मेंसेस. दिस इज द मार्क एंड लीडिंग इंडिकेशन फॉर थायरोइडिनम. तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल मेडिसिन है, तो अगर ऐसा कोई केस आपको मिले तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं दिस मेडिसिन, राइट? नेक्स्ट इज किडनीज. फ्रेंड्स, किडनीज में थायरोइडिनम इज एक्ट एज अ डायुरेटिक्स. फ्रेंड्स, डायुरेटिक्स का मीनिंग होता है कि इंक्रीज द यूरिन फ्लो, इंक्रीज द यूरिन. That means that is called as a diuretic. So kidney failure के केस में Jeborandi is a remarkable remedy. Friends, acute renal failure और chronic renal failure में जहाँ पे mark edema हमको देखने को मिलता है along with the oliguria, deficient in quantity of the urine, that we call as a oliguria. तो उस केस में हम Jeborandi prescribe कर सकते हैं. Another remedy for as act as a diuretic is apocynum. Friends, apocynum is the leading remedy, right? We act and we use as a diuretics, right? तो वो भी edema के केस में बहुत ही remarkable act करती है. तो उसी तरह से Jeborandi भी हम use कर सकते हैं in a case of acute renal failure, chronic renal failure, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा mark edema होता है, right? Yes. And it decreases the urea in the blood. Friends, ये भी उसकी बहुत ही mark action है कि urea का जो level है वो कम करता है and it act as a diuretic, right? इसकी वजह से हम उसको यूज करते हैं DI. What is the DI? Diabetes insipidus, right? So friends, आपको पता है कि diabetes के दो टाइप होते हैं, diabetes mellitus और diabetes insipidus. So diabetes especially this remedy is for the diabetes insipidus. Diabetes mellitus के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन है और diabetes insipidus के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में. तो Jeborandi is the use as the remedy for the diabetes insipidus. इसमें पता है आपको कि जो क्वांटिटी ऑफ यूरिन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ये कंडीशन क्यों डेवलप होती है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंट इन द ADH, राइट? तो उस केस में आप ये रेमेडी को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं विद द रिमार्केबल रिजल्ट. आईज. फ्रेंड्स, आईज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन है कि आपको एक बार जरूर कोई भी आई कंडीशन आपके पास आती है जहां पे Jeborandi इंडिकेटेड है, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं ये रेमेडीज को, राइट? ये रिमार्केबल स्फीयर ऑफ एक्शन है आईज, राइट? तो व्हाट आर द इंडिकेशन इन अ केस ऑफ द आईज कंडीशंस? तो फर्स्ट इज द फ्रेंड्स, जो Jeborandi, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर वुड ने एक्सपेरिमेंट किया, तो डॉक्टर वुड ने देखा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ Jeborandi इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ माइग्रियस. माइग्रियासिस का मीनिंग क्या होता है? माइग्रियासिस मीन्स इट कॉज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द प्यूपिल, राइट? तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द प्यूपिल्स होता है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ Jeborandi, राइट? तो इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ माइग्रियासिस, राइट? नेक्स्ट इज द लीडिंग रेमेडी फॉर द ग्लोकोमा. ग्लोकोमा में आपको पता है कि जो फ्लूइड रहता है एक्टियस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर हो जाता है, जो प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ग्लोकोमा डेवलप होता है, राइट? तो ग्लोकोमा की कंडीशन में Jeborandi हैज अ रिमार्केबल रिजल्ट, राइट? तो एज अ पैथोलॉजिकल सिमिलिमम यू कैन प्रिस्क्राइब Jeborandi, राइट? ऐसे पैथोलॉजिकल केस में हमको पैथोलॉजिकल सिमिलिमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, तो Jeborandi इज वन ऑफ देम, राइट? बहुत ज्यादा मार्क रेमेडी है इन केस ऑफ ग्लोकोमा. नेक्स्ट इज आई स्ट्रेन. फ्रेंड्स, आई स्ट्रेन
इजीली आई स्ट्रेन और आई स्ट्रेन के कोई भी कॉजेस हो। जनरली आपको पता है कि आई स्ट्रेन कब होता है, जब बहुत ही ज्यादा हम वर्क करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, राइट, या मोबाइल स्क्रीन पे बहुत ज्यादा हम रीडिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, तो भी आई स्ट्रेन होता है। जो मसल्स है वो बहुत ज्यादा फटीक हो जाता है, आई स्ट्रेन होता है, राइट। तो उस केस में हम जबरदस्ती यूज कर सकते हैं। और इवन देयर इज द बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेमेडी, फॉर एग्जांपल रूटा। रूटा कब हमको प्रिस्क्राइब करनी है, जहां पे आई स्ट्रेन हुआ है, एस्पेशली व्हेन वॉक इन द डिम लाइट। जहां पे डिम लाइट है वहां पे हम वॉक करते हैं और रीडिंग करते हैं, राइट, उसकी वजह से आई स्ट्रेन हो रहा है, तो यू कैन प्रिस्क्राइब रूटा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज ओनोसमोडियम। फ्रेंड्स, ओनोसमोडियम भी बहुत ज्यादा लीडिंग रेमेडी इन द केस ऑफ आई स्ट्रेन अलोंग विद द हेडेक। आप कॉमनली ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी हमारा आई स्ट्रेन होता है तो हेडेक बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो उस केस में आप ओनोसमोडियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मायोपिया। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, फ्रेंड्स, ये कंडीशन में भी आप जेमोरेंडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं विथ अ वेरी गुड रिमार्केबल रिजल्ट। नेक्स्ट इज कोरोडाइटिस। फ्रेंड्स, डॉक्टर क्लार्क ने कहा, बोला है कि उन्होंने, मतलब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक होस्ट था, उसको ये कंडीशन हुई थी कोरोडाइटिस की, तो जब 6 to 7 days उसमें एडमिनिस्टर किया इंजेक्शन, और उन्होंने देखा कि जो हॉर्स की जो कंडीशन थी कोरोनाइटिस, वो कम्प्लीटली क्योर हो गए विद इन अ फ्यू डेज, राइट, तो रिमार्केबल रिजल्ट। नेक्स्ट इज सीवियर स्पैज़म्स। और लास्ट इज डिटैचमेंट ऑफ रेटिना। फ्रेंड्स, ये पैथोलॉजिकल क्लिनिकल कंडीशन, डिटैचमेंट ऑफ द रेटिना, राइट, तो उस केस में भी आप जबरदस्ती को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रैबिस्मस। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैबिस्मस इज द वे इन दैट कंडीशन जबरदस्ती हैज अ ग्रेट स्कोप। इवन आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ द स्ट्रैबिस्मस यू कैन प्रिस्क्राइब। बहुत सारी ऐसी हमारी होम्योपैथिक मछलियां मेडिकल में मेडिसिन है जो इंडिकेटेड है बिफोर ऑपरेशन और इवन आफ्टर ऑपरेशन, राइट। स्कैल्प। फ्रेंड्स, एक स्कैल्प में वो क्या करती है, हेयर ग्रोथ। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इंडिकेशन है जबरदस्ती। फ्रेंड्स, बट आई टेल यू कि जबरदस्ती इज ओनली इज नॉट ओनली फॉर हेयर ग्रोथ। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई कि बहुत सारे क्लिनिकल कंडीशन है जहाँ पे हम जबरदस्ती को बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। इवन जो दूसरी जो स्पीयर ऑफ एक्शन है वो बहुत ही ज्यादा निग्लेक्टेड है, बहुत सारे लोग नहीं यूज कर सकते, बहुत ही कम लोग यूज करते हैं जबरदस्ती को अदर देन द हेयर ग्रोथ। फ्रेंड्स, एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट हुआ ना कि जो डॉक्टर वुड है उन्होंने जबरदस्ती को प्रिस्क्राइब किया था इन अ केस ऑफ कुछ कोई आई कंडीशन थी, ऑप्थल्मोलॉजी के केस था, तो उसमें डॉक्टर वुड ने जबरदस्ती को प्रिस्क्राइब किया था और उन्होंने फाइंड आउट किया, एक्सीडेंटली ये फाइंड आउट हुआ कि उसमें हेयर ग्रोथ देखने को मिले, राइट। वो पर्सन टोटली बाल्ड था, कुछ टाइम्स टोटली बाल्ड था और उसमें न्यू हेयर ग्रोथ देखने को मिले आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जबरदस्ती। तो वहां से हमको पता चला कि जबरदस्ती की ऐसी भी स्पीयर ऑफ ऐसी भी पैथोजेनेसिस है कि मतलब वो हेयर ग्रोथ भी करती है। ऐसा मीन्स एक्सीडेंटली फाइंड आउट हुआ था बाय एक्सपेरिमेंट। ऑप्थल्मोलॉजी का केस था, उन्होंने जबरदस्ती प्रिस्क्राइब किया और उन्होंने देखा कि पर्सन टोटली बाल्ड था तो उसमें न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गए, राइट। तो इस तरह से जबरदस्ती की ये स्पीयर ऑफ एक्शन हमको पता चली थी। और फ्रेंड्स, एक्चुअली बुक में कंप्लीटली मेंशन है कि जबरदस्ती को हमको हाइपोडर्मिकली यूज करना है। तो व्हाट यू मीन बाय हाइपोडर्मिकली, मींस द लोकल एप्लीकेशन करना है जबरदस्ती का। तो अगर आप लोकल एप्लीकेशन करते हो तो उसमें हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, बहुत मैंने भी यूज किया है, राइट, जबरदस्ती को, तो बहुत ही अच्छी तरह से हेयर ग्रोथ करती है जबरदस्ती, हैज द रिमार्केबल रिजल्ट, राइट, ये का वर्क डेफिनेटली करती है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप खुद से एक्सपेरिमेंट करिए, खुद पे ट्राई करिए, डेफिनेटली आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, इवन बाल्ड स्पॉट में भी देखने को मिलता है, राइट। ये इंडिकेशन फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, बट फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लगेगा, पर डेफिनेटली आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिलते हैं कुछ ही हफ्तों में, राइट। फ्रेंड्स, मैं भी यूज करती हूँ ऐसा हेयर टॉनिक। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब मैं क्या यूज करती हूँ और मैं पेशेंट को क्या रिकमेंड करती हूँ।
मैं रेकमेंड करती हूँ जेबोरेंडी क्यू, आर्निका मोंटाना क्यू, कैंथारिस क्यू और चियोनेंथस क्यू, ये सारे मदर टिंचर, ये चार मदर टिंचर है, उसको मैं मिक्स करती हूँ और लोकल एप्लीकेशन के लिए देती हूँ, राइट। और लोकल एप्लीकेशन करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा। मैं खुद उसको यूज करती हूँ और मैं पेशेंट को भी रेकमेंड करती हूँ। और अलोंग विद मैं एक मेडिसिन मेडिकेशन भी देती हूँ, वो है वेस्पिडन। वेस्पिडन 30 और 200 में आप दे सकते हो, राइट। तो उससे भी बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ होता है। इवन है वेस्पिडन से जो ग्रेइंग ऑफ हेयर होया है वो ब्लैक हो जाता है, तो बहुत ही रिमार्केबल मुझे रिजल्ट मिलता है। मैं अभी भी यूज करती हूँ, राइट। तो आप भी जरूर यूज करेगा, ये क्लिनिकल टिप है जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगी। के पास एक पावर है, वो पावर क्या है, एबोर्टिफिशियन मीन्स के आफ्टर, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जेबोरंडी जो प्रेग्नेंट एनिमल थे, जो लोअर एनिमल, तो उसमें इंसल्ट किया, राइट। वो एडमिनिस्टर करते ही जो लोअर एनिमल जो प्रेग्नेंट है, राइट, तो उसका अबोर्शन हो गया है। तो उन्होंने ये डिराइव किया कि जेबोरंडी देते ही अबोर्शन हो जाते हैं, मतलब इट हैज दैट पावर टू अबोर्ट, राइट। तो ऑन दिस बेसिस, मतलब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट प्रोड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, जिसकी वजह से वो अबोर्शन होता है, राइट। तो इसी तरह से उन्होंने कैसे किस तरह से यूज किया, लेबर की कंडीशन में, मतलब लेबर नॉर्मल लेबर था, तो उसमें जो कॉन्ट्रेक्शन होने चाहिए कि जिसकी वजह से डिलीवरी हो जाए, तो वो कॉन्ट्रेक्शन डेफिशिएंट था, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन नहीं थे। तो एट दैट टाइम जेबोरंडी प्रिस्क्राइब किया और उन्होंने देखा कि जो कॉन्ट्रेक्शन है वो बढ़ने लगी और जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो गई, राइट। तो फ्रेंड्स, उसी तरह से ये जेबोरंडी की प्रॉपर्टी है, वहां पे आप डेफिनेटली चेस्ट, फ्रेंड्स चेस्ट में, मतलब जो रेस्पिरेटरी की जो म्यूकस लाइनिंग होती है वहां पे जेबोरंडी ऐड करती है और जो उसको स्टिमुलेट कर, जिसकी वजह से जो म्यूकस सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है और इट प्रोड्यूस द कंडीशन लाइक ब्रोंकाइटिस, राइट। तो दैट इज ए उसकी एक प्रॉपर्टी है जो वो कहते हैं डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मीनिंग होता है जहां पे फ्लूड अक्यूमुलेट होता है तो उसको एक्सपल्ड आउट करना, वहां पे जो रेमेडी एक्ट करके उसको एक्सपल्ड आउट कर देती है, तो उस प्रॉपर्टी को कहती है डायफोरेसिस। तो जेबोरंडी इज एक्ट एज अ डायफोरेसिस। तो क्या करती है, फॉर एग्जांपल अस्थाइटिस, तो अस्थाइटिस में जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ है एब्डोमेन में, तो उसको कंप्लीटली एक्सपल्ड आउट कर देती है। नेक्स्ट इज हाइड्रोथोरिक्स, तो फ्लूइड अक्यूमुलेटेड इन द प्लूरा, तो वो कंप्लीटली क्योर कर देती है। नेक्स्ट इज प्लूराइटिक इफ्यूजन, अगेन कि जहां पे फ्लूड अक्यूमुलेट होता है, इलीमा की कंडीशन होती है, वहां पे जेबोरंडी डेफिनेटली एक्ट करती है और वहां से जो फ्लूड अक्यूमुलेट हुआ है तो उसको एक्सपेल आउट कर देती है। एक्सोथर्मिक गॉइटर, फ्रेंड्स यस, इट इज द प्राइम रेमेडी इन अ केस ऑफ एक्सोथर्मिक गॉइटर। यू कैन, और मोस्ट इंपोर्टेंट इज लिमिटिंग द ड्यूरेशन ऑफ द मॉम्स, फ्रेंड्स यस, ये मेंशन हुआ है बोरिक मटेरिया मेडिका में। तो उसमें मेंशन है कि अगर आप जबरंडी प्रिस्क्राइब करते हैं इन अ केस ऑफ मम्स, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो कम्प्लीटली, मतलब शॉर्ट हो जाता है और डिजीज को क्योर कर देती है। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जबरंडी इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द वीक पेशेंट विच इज हु इज सफरिंग फ्रॉम द कार्डियक फेलियर। व्हाई, बिकॉज द जबरंडी इज एक्ट ऑन द हार्ट एंड इट प्रोड्यूस द टेकीकार्डिया। तो हार्ट फेलियर की कंडीशन में अगर आप ये रेमेडी देंगे तो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, राइट, इट वर्सन द कंडीशन, तो इसको आप अवॉइड करिएगा, राइट। तो दिस इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो आपको याद होना चाहिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं देना है, राइट। तो फ्रेंड्स दिस इज अ वेरी यूजफुल, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई इंटरेस्टिंग मेडिसिन के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम्योपैथी।